जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप जी का अनंतम शुक्राना। गुरु जी, आपकी कृपा से आपकी सेवा में शिव पुराण पढ़कर सुना रही हूँ। आप इसे संगत तक पहुँचाने की कृपालता करना, बहुत सौभाग्यशाली बना दिया आपने जो आप मेरी जिह्वा से शिव पुराण सुन रहे हैं। ऐसी सेवा अनंत काल तक लेते रहिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। वाहे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शुक्राना गुरु जी। अगला अध्याय शुरू, शिव पुराण पार्ट नंबर 24। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म्य। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिल्वपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करें। ब्राह्मण, यदि 100,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। 1,000 बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। 1,000 शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जप से शरीर की शुद्धि होती है। 2,00,000 के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। 3,00,000 पूर्ण होने पर संपूर्ण काम में वस्तुएं प्राप्त होती हैं। 4,00,000 का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5,00,000 का जप ज्यों ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनिश्रेष्ठ, सर्वत्र 1,00,000 की ही संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव की पूजा करें तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफ़ेद आग, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन में उपयोग में लाए जाएं तो वे वहां रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दुपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्यों को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेद्वारी या शेफालिका के फूलों से शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगारहार, हर्ष श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं।
इन फूलों को एक एक लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा पूरा फल प्राप्त होता है। वहाँ शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे मंत्रपूर्वक सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1,00,000 आहुतियाँ दी जाएं अथवा 1,00,000 तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जौ द्वारा की गई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर जी की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे लाख बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ और काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनिश्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हों तो वहीं 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करें। भक्ति भाव से विधिपूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभ कारक बताई गई है। शत्रुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो प्रमेह रोग की शांति होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की भली भांति पूजा करे तथा ब्राह्मणों को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्राजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तन मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलह रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव की पूजा की जाए तो राज यक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईक के रस की धारा चढ़ाई जाए तो
वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाली है। ये सब जो जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। उसमें भी उक्त मंत्र का विधानता 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सृष्टि का वर्णन। तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी अंतर्धान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात, भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर, वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता ना देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात, वह समय संपूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नतापूर्वक बोले, श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभो, ये विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरा ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेरकर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु वैराज पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरमय कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षे, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का यहाँ कभी नाश नहीं होता। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात, महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई है। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक अथवा पंच परवा अविद्या कहते हैं। तदनंतर प्रसंचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर, संज्ञक, वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, ये जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियेक स्त्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा, तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे ऊर्ध्व स्त्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अर्वाक स्त्रोता कहा गया है।
इस सर के प्राणी मनुष्य हैं जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की व्याकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महतत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्राओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा नवा कौमार सर्ग है जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अवांतर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है जिसमें सनक सनंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनिश्रेष्ठ नारद, सनक आदि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनिश्रेष्ठ श्री हरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहों और नासिका के मध्य से, जो उनका अपना ही अविमुक्त नामक स्थान है, महेश्वर की 3 मूर्तियों से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए। जो जन्म से रही तेज की राशि सर्वज्ञ तथा सर्वत्र सृष्टा है, उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमावल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देव देवेश्वर से बोला, प्रभो आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी ये बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनिश्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूँगा क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तदनंतर मैंने शब्द तन्मात्रा आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंचीकृत करके अर्थात उन 5 का परस्पर समिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग हैं उनकी रचना की। मुने उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांब शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिरा को, व्यान वायु से मुनि श्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुल सत्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुम को, छाया से करदम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनि श्रेष्ठ इस तरह इन उत्तम साधकों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना।
तात तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा से मानव रूप धारण करके साधकों की प्रेरणा से साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उन्हें भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने तदनंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को दो भागों में विभक्त करके मैं दो रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ से सर्व साधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुए तथा जो स्त्री हुई वह शत्रुपा कहलाई। वह योगिनी और तपस्विनी हुई। तात मनु ने वैवाहिक विधि से अत्यंत सुंदरी शत्रुपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शत्रुपा से प्रियवत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र और तीन कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम थे आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मझली पुत्री देवहूति करदम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकृति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने करदम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुईं। दक्ष के प्रसूति से 24 कन्याएं हुईं। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति, ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं थीं उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा तथा स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिरा मुनि, पुलसत्ते, पुलहा, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों से चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य शेष द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिए। नारद, उन्होंने 4 कन्याएं श्रेष्ठ रूप वाले ताक्षरे अरिष्ट नेमी को ब्याह दी तथा भृगु, अंगिरा और कृशाश्व को 2-2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्यक चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ, दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 13 कन्याओं का विधि पूर्वक दान दिया था उनकी संतानों से सारी त्रिलोकी व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत तथा तृणलता आदि सभी कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भली भांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव ने त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर जिनकी सदा रक्षा की है, वे ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थीं। उन्होंने भक्तों के उद्धार के लिए अनेक लीलाएं की। इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गईं, किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया और फिर उसे ग्रहण नहीं किया। वे अपने परम पद को प्राप्त हो गईं। फिर देवताओं की प्रार्थना से वे ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुईं और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया।
मुनीश्वर इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हुए। उनमें कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृडानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनि श्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का ये सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पर ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं, विष्णु और रुद्र, ये तीन देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। वे मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं, निर्गुण और सगुण भी वे ही हैं। जय गुरु।